गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सॉरी कि मैं शादी की वीडियो पोस्ट तो की बट मैं आप लोगों को सबसे मिलवा नहीं पाई। यह मेरी गलती है क्योंकि आप हो मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली, तो फैमिली को फैमिली से मिलवाना मेरा जो है अपना कर्तव्य है, तो मैं आपसे मिलवाऊंगी आज अपनी सारी फैमिली से। गाइस कल की वीडियो में आपने देखा कि दुल्हन बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा डांस करती हुई स्टेज तक आई और दूल्हे राजा बहुत ही देर से उनका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए तो उसके आगे की वीडियो में आज कंटिन्यू करूंगी और आपको सबसे मिलवाऊंगी भी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हम लोगों ने शादी में बहुत इंजॉय किया तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्त लोगों को भी ये मौका दिया जाए, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करिएगा। और चलिए देखते हैं जयमाला के समय क्या हुआ। गाइस मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपनी बड़ी दीदी का, जो कि स्टेज पर नहीं थी और उनका होना तो बहुत ज़रूरी है, तो उनके आते ही हम लोगों ने जयमाला का कार्यक्रम शुरू किया। ने भी वरमाला डाला तो यहाँ दूल्हा भी बहुत एक्साइटेड है वरमाला डालने के लिए, और ये डाला दूल्हे ने। तो यहाँ पे दोनों भाइयों ने खूब डांस किया अपनी सिस्टर और जीजा जी के साथ। काजल भी पूरा अपना जो भी सोचा था उसने कि अपनी शादी के दिन मुझे क्या क्या स्पेशल करना है, उसने वो सब किया। तो यहाँ पर आपने काजल का एक्सप्रेशन देखा ना, वो फिर से डर गई कि ये कुछ तो करने वाला है, क्योंकि इस काजल की और इस भैया की जो बॉन्डिंग है ना बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि ये दोनों हमेशा लड़ाई ही करते रहते हैं। तो इस समय भी काजल डर गई, हाय राम आज तो मेरी शादी है फिर भी डरा रहा है मेरे को। तो यहाँ पर डांस के दौरान एक सर्किल बन गई और सर्किल में इतने सारे लोग ऐड होते जा रहे थे, मुझे तो डर था कहीं वो गिर ना जाए, इसीलिए मैंने सर्किल को ड्रॉप किया, क्योंकि स्टेज का बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन कोई गिर सकता था। और अब यहाँ पे मिले ये है मेरे घर की सबसे बड़ी सदस्य मेरी दादी। तो मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना दादी को पहले ले जाके फ़ोटो शूट की शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले मैं दादी को लेके गई और दोनों के बीच में बैठाई और फिर फ़ोटो शूट। मम्मी पापा जीजू दीदी भाई काजल और मेरे नए दूल्हे राजा जी और बीच में मेरा बाबू है, मेरे दीदी एंड जीजू का बेटा। तो बाकी मेंबर जैसे डॉक्टर साहब और मैं, ये सारी मेरी फैमिली है। और बगल में है मेरे डॉक्टर साहब के किरण दीदी और मेरे बगल में है मेरी देवरानी और ननद और उसका बेटा, और बीच में जो दोनों के बैठे वो मेरी देवरानी। यहाँ पे ये जो डांस करने में एकदम पूरा कंसंट्रेशन बनाई रखी है वो है मेरी ननद जी और मेरी सिस्टर की दो एक फ्रेंड है और उसकी छोटी बहन है, और मेरे जस्ट बगल में जो पिंक कलर का लहंगा पहनी है वो है मेरी देवरानी। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को लग गई बहुत तेज से भूख, और मंडप में बैठने से पहले तो इन लोग को तो खाना खिला के ही बैठाना है। फैमिली के साथ ये लोग कर रहे हैं डिनर, उसके बाद काजल जाएगी मंडप में।
और यहाँ पर मैं रिशिता, यानी कि यहाँ पे काजल की दोस्त रिशिता और निशी और मैं काजल को मंडप में ले आए। और मंडप में हमारे यहाँ यूपी बिहार के साइड में लड़कियों को येलो साड़ी में पहना के ही शादी होती है। तो यहाँ पे काजल ने जो मायके से ज्वेलरी वगैरह मिली है सारा पहन के वो मंडप में बैठने आई। सो यहाँ पर जेठ जी के द्वारा चुनरी ओढ़ाने की रस्म की जा रही है और जेठ जी जो भी सामान है वो सारा काजल को टच करने के बाद वो साइड में रखा जा रहा है। सारा सामान टच कराने के बाद अब बारी है चुनरी की, यानी कि फाइनली चुनरी चढ़ा दिया गया। और यहाँ पे भैया बहुत शर्मा रहे थे बहुत ज़्यादा। सो उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये जो रस्म है बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से पूरा किया। सो अब हम लोग काजल को लेके जा रहे हैं रूम में और फिर से जो भी ससुराल से सामान मिले हैं वो सारी ज्वेलरी काजल को पहनाई जाएगी और फिर मंडप में हम लोग वापस लाएंगे उसको। और तब कन्यादान और दूल्हे राजा भी मंडप में आ गए हैं और मम्मी और पापा भी बैठ रहे हैं पूजा स्टार्ट करने के लिए। सो अब थोड़ी ही देर में गुड़िया दीदी काजल को लेकर आई मंडप में। तो यहाँ पर काजल को मावर बांधने की रस्म है और ये रस्म तो खैर नाउन ने किया था बट मैंने उनको वो बांध नहीं पा रही थी तो मैंने बांधा। और यहाँ पर कन्यादान की रस्म कश्यप गोत्र से दिनेश कुमार गुप्ता सपत्नी को हम कन्या श्री काजल कश्यप गोत्र काजल गुप्ता वरस्य श्री नाम हम गोत्र से नरेंद्र सिंह कन्यादान सरकारी से है। शुरू हो गई है, मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं और इस कन्यादान के बाद पांव पूजने की भी रस्म होती है जो कि मम्मी और पापा अभी थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पंडित जी हमारे काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी इंटरेस्ट लेके पूजा और ये सारे रिचुअल करा रहे थे। सो यहाँ पर मम्मी पांव पूज रही है और पहले बेटी का पूजा जाता है फिर दामाद का। तो फिर मम्मी जैसा जैसा पंडित जी बता रहे थे वैसा वैसा मम्मी कर रही थी। उसके बाद पंडित जी ने बोला कि पापा को करना है। सो फिर पापा ने काजल का पांव पूजा और उस दिन में ही मम्मी बहुत इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा और पूरा माहौल एकदम इमोशनल हो गया, सब रोने लगे। सो इसके बाद जो है ये रिचुअल भी कंप्लीट हुआ पांव पूजने की। सो यहाँ पे हो रही है फेरों की रस्म, शुरू हो गई है फेरों की रस्म। तो 7 फेरे होते हैं और 7 फेरे तो दूल्हे राजा को तो जल्दी जल्दी करना था क्योंकि भाई दुल्हन जो लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पर भाई खड़ा है लावा लेकर। जैसे जैसे एक एक फेरे कंप्लीट होते हैं तो भाई लावा देता रहता है और उस लावे को ये आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ हवन कुंड में डाला जाता है, कुछ हवन कुंड में जाता है और कुछ हवन कुंड के बाहर गिर जाता है। तो इस तरीके से ये 7 फेरे कंप्लीट हो गए। सो यहाँ पर हो रहा है सिंदूर दान का रिचुअल और हमारे यहाँ यूपी बिहार के साइड में कुछ इस तरीके से ढककर लड़का लड़की को सिंदूर लगाता है मांग में और उसके बाद ही दूसरा कोई उसको देख सकता है। और यहाँ पे सिंदूर भरने के बाद अब हो रहा है फोटोशूट। तो काजल कैसी लगी आप लोग को कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर रिकी भी बहुत खुश है कि फाइनली दुल्हन हुई हमारी। उसके बाद अब बारी है मंगलसूत्र की जो कि दूल्हे के द्वारा दुल्हन को पहनाया जा रहा है। सो ये मंगलसूत्र पहनने के बाद अब प्रॉपर काजल हुई रिकी की, यानी कि दूल्हे राजा की। तो यहाँ पर दूल्हे दुल्हन कोबर के आगे खड़े हैं और साली के साथ थोड़ी नोकझोंक चल रही है, भाई नेक तो बनता है। गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और शादी के बाद काजल का लुक आप लोग को कैसा लगा आप लोग ये भी मुझे बताइएगा। और हाँ गाइस इसके आगे की वीडियो यानी कि विदाई की वीडियो देखना मत भूलिएगा और काजल को बहुत सारा प्यार कीजिएगा। ओके गाइस मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।